हर हर महादेव माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर को ऐड करने का पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ध्यान से समझना है कि हमारे पास अगर दो वेक्टर है जिसमें से एक वेक्टर ओ ए, दिस इज ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर जो कि एक ए वेक्टर है, ओके, और ओ बी वेक्टर जो कि बी वेक्टर है ना, मतलब ओ ए साइड की हेल्प से हम ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ओ बी साइड की हेल्प से हम बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों के बीच का एंगल है थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा, ओके। तो अगर हमने इन दोनों वेक्टर को एक पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट किया, उसकी दो कॉन्सिक्यूटिव साइड की हेल्प से रिप्रेजेंट किया, तो उन दोनों के कॉमन पॉइंट से जाने वाले डायगोनल को हम उन दोनों के एडिशन की तरह समझ सकते हैं, ओके। तो ये जो डायगोनल है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ, इट इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ दिस टू वेक्टर और रिजल्टेंट, एडिशन का है या फिर रिजल्टेंट का है, ओके। तो हम लिखेंगे इफ टू वेक्टर्स यहाँ पर कौन कौन से हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर और इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू कॉन्सिक्यूटिव साइड्स, बाय टू कॉन्सिक्यूटिव साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, नहीं पैरेललोग्राम, ऑफ अ पैरेललोग्राम, ओके, देन डायगोनल पासिंग थ्रू their common point represent the addition or you can say resultant, हम कहते हैं उसको resultant R vector. So this OC vector is equal to R vector. OC vector is equal to R vector. This OC vector is equal to A vector plus B vector. ओके, यहाँ पर हमको ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, ज्योमेट्री की हेल्प से वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से एडिशन फाइंड किया, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, उसका डायरेक्शन होगा उससे जाने वाले, उनके कॉमन पॉइंट से जाने वाले डायगोनल के अलोंग। तो ये जो ओ सी डायगोनल होगा इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द एडिशन ऑफ दिस टू वैक्टर, ओके। और इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से, इस पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से अब हम फाइंड करेंगे जो रिजल्टेंट है, जो एडिशन है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। क्या फाइंड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो हमने ये कॉन्सेप्ट समझा है, क्या कॉन्सेप्ट समझा है, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पहले ही देख चुके हैं कि अगर हम रिजल्टेंट की बात करें, ओके तो रिजल्टेंट ऑल्सो वैक्टर और उस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की बात करें, क्योंकि किसी भी वैक्टर के लिए दो चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमको दोनों चीज़ें फाइंड करना है, पहले हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड। तो हम अगर फाइंड करें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जिसको हम लिखेंगे आर वेक्टर का मॉड्यूलस या फिर सिंपल आर, ओके, दिस आर इज अ वेक्टर एंड यू आर राइटिंग दिस सिंपल आर, सो इट इज द मैग्नीट्यूड। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस। अगर आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस देखना पड़ेंगे। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हम रिप्रेजेंट करेंगे मॉड्यूलस साइन से या फिर उसे सिंपल लेटर से भी लिख सकते हैं।
एंड इट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस डायगोनल OC. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस लेंथ मैग्नीट्यूड को हम लेंथ की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर आपने इसका लेंथ कैसे भी करके कैलकुलेट कर लिया, इसका मतलब आपने रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लिया. क्या कैलकुलेट कर लिया? रिजल्टेंट कैलकुलेट कर. सबसे पहला काम हमको करना है इस OC का लेंथ कैलकुलेट. जब आप लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा ए स्क्वायर, मतलब पहले वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, प्लस 2ab cos थीटा. क्या आएगा? 2ab cos थीटा. ओके, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. ओके, इट इज फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. अगर हमारे पास में ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है और दोनों के बीच का एंगल पता है, तो यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर. रिजल्टेंट का मतलब क्या? रिजल्टेंट का मतलब एडिशन. रिजल्टेंट का क्या मतलब? एडिशन. और अगर आपको एंगल फाइंड करना है, एंगल को कैसे फाइंड करेंगे? एंगल की हेल्प से हम डायरेक्शन को बताएंगे. ये एंगल अगर आपको फाइंड करना है, अगर आपने एंगल बता दिया कि भैया फर्स्ट वेक्टर के साथ अल्फा एंगल पर रिजल्टेंट होगा, दिस फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल पर रिजल्टेंट होगा, तो आपने कह दिया कि उसका डायरेक्शन क्या है. तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास में होगा टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा. ओके, क्या फार्मूला होगा? टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा. ओके, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा? एंगल भी आ जाएगा. तो ये हमने एंगल भी फाइंड कर लिया. ओके, और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट भी आ जाएगा. तो हमने रिजल्टेंट भी फाइंड कर लिया. दोनों फार्मूले की हेल्प से हम क्या कर लेंगे? रिजल्टेंट और एंगल फाइंड कर लेंगे. अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा कॉन्सेप्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और हमारे पास में आता है कि अगर हमको ये अल्फा नहीं बीटा फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? अल्फा नहीं बीटा. व्हाट इज दिस बीटा? बीटा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ सेकंड वेक्टर बी वेक्टर. ओके, सेकंड वेक्टर बी वेक्टर के साथ अगर आपको एंगल फाइंड करना है, अगर आपको ये बीटा फाइंड करना है, तो यहाँ पर ए बी को इंटरचेंज कर दो. तो हमारे पास में टेन बीटा का फार्मूला आएगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा. ओके, बच्चे लोगों, बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ. अगर ये फार्मूले, ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए, तो फिजिक्स में कहीं पर भी आपको डाउट नहीं आने वाला है. ओके, तो इन्हें हम हाईलाइट कर लेते हैं. ये हमारे पास में रिजल्टेंट का फार्मूला आया. ओके, ये आपको हाईलाइट कर लेना है, क्योंकि जब हम ब्रेन मैप की बात करेंगे लास्ट में, जब हम रिविज़न की बात करेंगे, तो ये सारे फार्मूले हम अलग से लिखेंगे, है ना. तो ये फार्मूले आपको अलग से एक डायरी बनाकर वहाँ पर भी लिख लेना है. ये वाला फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए के साथ में नहीं, अगर बी के साथ में एंगल फाइंड करना है. अब ये फार्मूले हम डिराइव करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे? जल्दी फटाफट हम स्लाइड चेंज करते हैं और डिराइव करते हैं. तो फिर से हम शुरुआत करते हैं डेरिवेशन की. हमको डिराइव करना है, वापस से हम फार्मूला लिख लेते हैं. फार्मूले में हमको लिखना है रिजल्टेंट का फार्मूला. क्या आप बताएंगे मुझको रिजल्टेंट का फार्मूला? R इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. दैट इज द फार्मूला फॉर रिजल्टेंट. एंड दिस 10 अल्फा is equal to b sin theta divided by a plus b cos theta. Okay? तो ये फार्मूला हमको डिराइव करना है, है ना. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमको पता है ये जो साइड है O से A, है ना, इसका लेंथ जो है वो A का मैग्नीट्यूड है. और OB का जो लेंथ है, वो B का मैग्नीट्यूड है, B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. ओके, तो इस OB को हम AC के जैसा ही लिख सकते हैं. हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि वेक्टर को एक्सचेंज कर सकते हैं, हम शिफ्ट कर सकते हैं,
ठीक है, तो ये जो वेक्टर हमको ओ बी वेक्टर, बी वेक्टर है सेम एज इट इज़, यहाँ पर हमको बी वेक्टर मिलेगा। तो ये ओ से सी का लेंथ भी किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। अगर यहाँ बच्चा लोगों ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है। और यहाँ पर अगर हम साइन थीटा लगा दें, इस ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, येलो कलर का लाइन दिख रहा है, येलो कलर का लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन, है ना, डेरिवेशन के लिए हम कंस्ट्रक्शन का यूज़ कर रहे हैं। हम ओ ए को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं और सी से हमने एक परपेंडिकुलर डाला एन, हमने यहाँ पर ओ एन पर एक परपेंडिकुलर डाला सी एन, दिस सी एन इज़ द परपेंडिकुलर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल बना इन इन ट्राइंगल ए ए एन सी, ए एन सी, ए एन सी में अगर हम साइन थीटा लगाएं, क्या लगाते हैं, साइन थीटा, तो हाइट सी एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए सी। तो बच्चा लोगों यहाँ से सी एन का वैल्यू हमको पता चला ए सी साइन थीटा, क्या पता चला, ए सी साइन थीटा, ये हमको इक्वेशन नंबर वन मिला। सेम एज इट इज़ अगर हम कॉस थीटा लगाएंगे तो क्या होगा बताओ, कॉस थीटा होगा बेस, मतलब ए एन बेस ए एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ए सी। तो यहाँ से बेस ए एन का वैल्यू हमको पता चला, क्या पता चला, ए एन का वैल्यू पता चला ए सी कॉस थीटा, है ना। तो इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर टू। तो हमारे पास में दो हमने वैल्यू फाइंड किया, हमने यहाँ पर इस बेस का वैल्यू फाइंड कर दिया, इस बेस का वैल्यू फाइंड कर दिया, और यहाँ पर इस हाइट का वैल्यू फाइंड कर लिया, इस हाइट का वैल्यू फाइंड कर लिया और बेस का वैल्यू फाइंड किया। अब हमारे पास में एक और राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, जरा ध्यान से देखो, ओ एन सी, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब इसमें इन बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ एन सी, ओके, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल में इसको यहाँ से ऐसे जाना है, फिर यहाँ से ये वाली साइड, ये बेस हो गया पूरा और ये इसका हाइट हो गया। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्यों, क्योंकि हमको ओ सी का लेंथ फाइंड करना है, ओ सी का लेंथ फाइंड करना है। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब पाइथागोरस थ्योरम में जो बेस होगा ये ओ सी तो है आर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और ओ एन जो है, यहाँ पर ध्यान से सुनो, ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए एन, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ओ से ए तक चलो और ए से एन तक चलो, बात ओ एन हो गया। तो ये ओ एन को हम लिख सकते हैं ओ से ए तक चले तो वो हो गया ए, और ए एन का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं ए सी कॉस थीटा, ए सी कॉस थीटा, और इस ए एन का वैल्यू ए सी, ए सी का मतलब बी, ए सी का मतलब बी, तो इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। यहाँ पर भी अगर हम इसे आगे लिखें तो लिख सकते हैं सी एन इज इक्वल टू, सी एन इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं बी साइन थीटा। तो बच्चा लोगों बहुत ईजीली हमने यहाँ पर ये जो हाइट है इसको लिख दिया बी साइन थीटा, और ये जो छोटा सा बेस आपको दिख रहा है इसको लिख दिया बी कॉस थीटा, कितना लिख दिया बी कॉस थीटा। तो हमारे पास में इस बड़े वाले ट्राइंगल का बेस आ गया ए प्लस बी कॉस थीटा, और हाइट कितना आ गया, सी एन कितना आया था बी साइन थीटा, तो वैल्यू पुट कर देंगे ए सी का मतलब, ओ सी का मतलब आर, है ना, ओ सी का मतलब आर, दैट इज द लेंथ ऑफ रिजल्टेंट, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस सी एन का मतलब क्या, सी एन का मतलब बी साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, अगर हम यहाँ पर स्क्वायर ओपन करेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ में आया होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया है।
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पर ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, और ये क्या होता है बच्चा लोगों बताओ जरा, बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो वन होता है, तो वन होता है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta आया, और r का वैल्यू क्या आया, r का वैल्यू आया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta। ओके तो अगर हमको a का मैग्नीट्यूड पता है, अगर हमको b का मैग्नीट्यूड पता है, तो हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक डेरिवेशन हमने छोटा सा देखा। अच्छा अब अगर यहाँ पर ये थोड़ा सा हम रब कर देते हैं, आपने लिख लिया होगा ठीक है, अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें दिस एंगल अल्फा, दिस एंगल अल्फा, व्हाट इज दिस अल्फा, दिस अल्फा इज एंगल ऑफ रिजल्टेंट, ओके रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर, ओके व्हाट इज दिस अल्फा, तो अगर हम यहाँ से टेन अल्फा कैलकुलेट करें, क्या आप कैलकुलेट करेंगे, टेन थीटा क्या होता है, हाइट डिवाइडेड बाय बेस, तो इस टेन अल्फा, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है इसका हाइट कितना है सी एन, और बेस कितना है ओ एन, तो सी एन का वैल्यू क्या है बच्चा लोगों को बताओ, सी एन का वैल्यू है बी साइन थीटा, और ओ एन का वैल्यू है ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके तो जो चाहिए था वो मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना, हमको यहाँ पर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, हमको यहाँ पर रिजल्टेंट का एंगल मिल गया, है ना, यहाँ पर मस्त थीटा ए बी का वैल्यू पुट करो और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करो और एंगल फाइंड करो। So that is the parallelogram law of vector addition, and in this parallelogram law of vector addition, how to find the resultant magnitude of resultant and angle of resultant we have understood now. Okay, so now आगे हम continue करते हैं कुछ numerical से addition of two vectors से related. Okay, हमने यहाँ पर सबसे पहले formula देखा, उन formula को हम फिर से revise कर लेते हैं, है ना, अभी हमने देखा कि रिजल्टेंट r इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में एक वेक्टर है a वेक्टर, दिख रहा है आपको a वेक्टर, ओके और हमारे पास में है b वेक्टर, है ना, तो इन दोनों को अगर ऐड करना है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, अगर दोनों को ऐड करना है तो इन दोनों का एडिशन कहाँ होगा, इन दोनों का एडिशन इन दोनों के बीच में होगा, ओके इन दोनों से मिल के बनने वाले पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग होगा, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर, और अगर इस आर का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है तो हमने अभी फार्मूला देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ओके और एंगल का रिजल्टेंट का एंगल अगर हमको कैलकुलेट करना है अल्फा, तो हमने फार्मूला देखा टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा divided by a plus b cos theta, ओके तो यहाँ पर अब हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे, हम स्पेशल केसेस देखेंगे इन फार्मूलों के, कुछ स्पेशल केसेस हम देखने वाले हैं। स्पेशल केस में सबसे पहला केस, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, मतलब थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री है, बोथ a वेक्टर and b vector are in same direction, are in same direction, दोनों अगर एक ही direction में है तो यहाँ पर अगर दोनों vector same direction में है, मतलब दोनों के बीच का angle कितना है, दोनों के बीच का angle zero degree है, मतलब this a vector और इसी direction में है b vector, है ना, तो रिजल्टेंट अगर एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर होंगे तो फिर क्या डायरेक्ट ऐड कर दो, तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसा आना चाहिए, ए प्लस बी के बराबर आना चाहिए,
कैसा आना चाहिए, ए प्लस बी के बराबर आना चाहिए। तो हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिजल्टेंट आर हमारे पास में थीटा इज इक्वल टू जीरो पुट करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस जीरो। क्या आप मुझको बताएंगे कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? बच्चा लोगों कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू होता है वन। कितना होता है? वन। तो यहाँ पर वन पुट कर देंगे, तो आर इक्वल टू हमको मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका रूट। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टेंट मिलेगा ए प्लस बी। ओके, तो यहाँ पर हमको एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मिला कि अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो सिंपल एडिशन ही होगा। ओके, सेकेंड केस हम देखते हैं, बी केस है ना, व्हेन बोथ वेक्टर आर अपोजिट टू ईच अदर, मतलब कि 180 डिग्री है ना। जैसे एक वेक्टर है हमारे पास में ए वेक्टर, ओके, और दूसरा वेक्टर हमारे पास में है बी वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में बी वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? चलो बताओ, दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री। तो रिजल्टेंट आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है? माइनस वन। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बनेगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी, जैसा हमने यहाँ पर ऊपर देखा ना ऐसा ही a माइनस बी, क्योंकि इसे हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अगर दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल। मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों का सब्ट्रैक्शन, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर ए बड़ा है बी छोटा है तो ए माइनस बी, बी बड़ा है ए छोटा है तो बी माइनस है, मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पर मॉड भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थर्ड केस सी केस हम देखते हैं, जिसमें हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं। कैसा लेते हैं? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो यहां पर अगर एक वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट क्या होगा बताओ? आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि कॉस 90 कितना होता है? जीरो होता है, तो वो तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा, दैट इज द रिजल्टेंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया कि अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट जो होगा वो आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। और यहाँ पर जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो अगर हमको फाइंड करना, मतलब ये एंगल अल्फा फाइंड करना है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर साइन 90 तो 1 हो जाएगा, तो बी और कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये ए। तो टेन अल्फा का वैल्यू कितना आया? बी बाई ए। टेन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए, ओके, मतलब परपेंडिकुलर वाला डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल वाला। तो यहाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर हम परपेंडिकुलर लेते हैं तो एंगल सर आपने फाइंड करके बताया, ठीक है, एंगल आपने फाइंड करके बताया, हमको समझ में आया टेन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए। पर अगर थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री है और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से एंगल कैसे वेरीफाई करके बताएंगे? हमको आप वेरीफाई करके बताइए कि रिजल्टेंट का एंगल उसी डायरेक्शन में होगा अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। हमको ये वेरीफाई करके बताना है मैथमेटिकली कि रिजल्टेंट का एंगल
रिजल्टेंट का डायरेक्शन ए का डायरेक्शन में होगा अगर ए बड़ा है, और बी का डायरेक्शन में होगा अगर बी बड़ा है तो। ये हमको मैथमेटिकली वेरीफाई करके बताना है। शायद आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर यही क्वेश्चन आपके माइंड में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप कमेंट करके ये बताइएगा कि सर हाँ ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आया था और ये क्वेश्चन हम कैसे वेरीफाई करेंगे। एक बार खुद भी आपको ट्राई करना है यहाँ पर फार्मूले में वैल्यू पुट करके। एक बार थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करना है यहाँ पर, और एक बार थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट करना है ना। और फिर चेक करना है कि एंगल क्या होगा, क्या एंगल हमारे फिजिकल कंडीशन से वेरीफाई करता है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स से रिलेटेड। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना है। टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी। ओके, क्या लिख सकते हैं? ए इक्वल टू बी हैविंग द रिजल्टेंट, मतलब हम बी की जगह पर भी ए लिख सकते हैं और आर की जगह पर भी ए लिख सकते हैं। तो उन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं। हमने अभी देखा कि आर को हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं और बी को भी हम ए से रिप्लेस कर सकते हैं, तो कर देते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू कॉस थीटा। So this a into a will become a square. So a square is equal to, this will become 2a square plus 2a square cos theta. Okay? तो यहाँ a square cancel हो जाएगा, ये 2 negative side आएगा। तो 1 पहले से था, minus 2 is equal to 2 cos theta. हमको मिलेगा minus 1 equal to 2 cos theta. तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 1/2। और ये कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री होता है। इस क्वेश्चन को फिजिकली हमको समझना पड़ेगा, है ना। कैसे समझेंगे? अगर हमारे पास एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, इन दोनों के बीच का एंगल 90+30 मतलब 120 डिग्री है। ओके, तो जो रिजल्टेंट बनेगा कैसे बनेगा? रिजल्टेंट कैसे बनेगा? यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना दो, बना दिया पैरेललोग्राम, और एक डायगोनल से मिला दो। ठीक है, ये डायगोनल से मिला दिया भैया, डायगोनल को मिला दिया हमने। तो यहाँ पर ये हमारे पास में है ए, ये हमारे पास में है बी, और ये हमारे पास में है आर, और तीनों का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। तीनों का लेंथ कितना होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको फिजिकली भी हमको समझना पड़ेगा कि 120 डिग्री कैसे आया, है ना। 90 से तो ज़्यादा ही आना था, तभी तो रिजल्टेंट का एंगल। अब भैया रिजल्टेंट का वैल्यू तो दोनों के एडिशन, दो वेक्टर को अगर ऐड करते हैं तो उनका एडिशन दोनों से तो ज़्यादा आना चाहिए था, पर अगर 90 से बड़ा हो जाता है एंगल तो दोनों का जो रिजल्टेंट का वैल्यू है धीरे धीरे कम होने लगता है। ओके, अगर 90 से बड़ा है तो फिर रिजल्टेंट का वैल्यू दोनों के एडिशन, फिर वैल्यू जो होगा वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।